सात पुष्प देव दीपावली के दिन, कोई भी सात पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, सात पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भरकर रखते हो, सातों पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर सात घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए, सातों दीप की पूजन करिए। और पूजन कर वो सात पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं पूर्ण तरह से आनंद के साथ, सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन सातों पुष्पों को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो सातों पुष्प को अपनी कामना कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आएं, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा। आटे का जो दिया बनाते हो घर के अंदर, कभी आपने पूजन करी होगी तो आटे के दिए बनाओगे, अभी आप वैकुंठ अपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन विसर्जन करने जाओगे, घाट पर लगाने जाओगे आटे का दिया, तो आटे का जो दिया लगाते हैं इसकी बाती हमेशा याद रखो कि अगर चार दिए लगा रहे हो तो चारों दिशा में बाती होना चाहिए उसकी, मतलब बाती एक ही रखो पर चार दिए को चार दिशा की ओर निर्मित कर रख दीजिए उसका मुख उधर। आटे के दिए में कभी भी चोंच नहीं बनाना चाहिए, अर्थात बत्ती रखने की जो चोंच होती है आटे के दिए में कभी नहीं बनाना, बिल्कुल गोल बनाना चाहिए और उसको फिर विसर्जन की ओर आप लेकर जाओ या देवता की ओर लगाओ, जहां लगाना है, पर उसमें चोंच नहीं होना चाहिए। जिस आटे के दिए में चोंच बन जाती है उसको बलि का भाग ग्रहण करने वाले देव उसको प्राप्त। पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर। हिंदू धर्म में तीन दिन ऐसे हैं जिसके दीपदान का फल मनुष्य को नहीं मिलता, पहले नंबर पर धनतेरस, दूसरे नंबर पर रूप चौदस और तीसरे नंबर पर दीपावली। तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा था, प्रभु आपने तीन पग में मेरी पृथ्वी को नाप लिया, पर आपसे मांगना चाहता हूँ तो केवल इतना दे दो कि तीन दिन जो पृथ्वी पर दीप दान करेंगे उसका फल मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में लिखा है। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से दिया, और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा तो उनके खाते में क्या होगा। इतने में राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको तीनों दिन का पुण्य फल हजार। दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी तालाब कुंडन कुआं किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको तीनों दिन का पुण्य फल हजार गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, हजार गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है, जम के बोलो जरा, देव दीपावली।